गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुष्कर। तो मेरा पुष्कर में है, आज चौथा दिन है। मैं यहाँ पे वर्केशन कर रहा हूँ पिछले चार दिनों से। इससे पहले मैं जयपुर में था और जयपुर में 10 दिन रहने के बाद मैं पुष्कर आ गया हूँ। तो फिर से एक नया वीडियो मैं आपको बताऊँगा पुष्कर में मैं कहाँ रह रहा हूँ, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पुष्कर में, देखने के लिए क्या क्या है और कैसा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ रहने का, कैसा मुझे फील हो रहा है। वैसे अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आप लोग मेरा स्टोरीज देख ही रहेंगे और बहुत एक्साइटेड हैं कि वीडियो कब आएगा। तो चलो, आज 14 अगस्त सैटरडे मॉर्निंग, मेरा वीकेंड आ गया है और ये चलो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है आज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जगह, मैं कहाँ रह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ और फिर सारा डिटेल्स बताता हूँ। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ। सबसे पहले सामने गणेश देवा की जो है हमारे ऊपर कृपा रहती है और इस जगह का नाम है होटल भरतपुर पैलेस। ये बहुत ही पुराना पैलेस है और ये बीच का अंगना है जैसे पुराने ज़माने में होता था और यहाँ फाउंटेन भी चल रहा है। इसका इंटीरियर देखो, बिल्कुल आपको महसूस होगा कि आप उसी सदी में चले गए हो। और शाम जब होती है, लाइट्स जलती है तो और भी सुंदर लगता है। यहाँ भी गणपति बप्पा है हमारे और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर दो और फ्लोर है। उससे पहले मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ नज़ारा। फ्री ड्रिंकिंग वाटर आपको यहाँ मिल जाएगी और यहाँ बैठने का जगह है बहुत ही शानदार। यहाँ पर बैठ के आप काम कर सकते हो। सारा दिन मैं यहाँ बैठता हूँ और सबसे खूबसूरत ये सामने ये है पुष्कर सरोवर, पुष्कर लेक और सामने जो है अरावली की पहाड़ियाँ। ये वही अरावली है जो दिल्ली से लेकर जयपुर होते हुए ये सारा रेंज है इनका। और ये हमारा भरतपुर पैलेस, वो मेरा रूम है नीचे, मैं दिखाऊंगा आपको। ऊपर भी है और इसके ऊपर भी फ्लोर है। तो जब मैं आया ये जगह देखकर तो कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है मुझे यार, मैं पता नहीं यहाँ कितने दिन रहूँगा। चलिए सामने से मैं आपको दूसरा व्यू भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्विंग लगा हुआ है, यहाँ पे हर एक फ्लोर पे स्विंग है, झूला झूल सकते हो आप शाम में। और शाम में जो यहाँ का सीन होता है बिल्कुल ही गजब का, 6:30 जैसे होता है, मतलब संध्याकालीन आरती जब शुरू होती है तो पूरा, अभी भी देखो घंटा बजा, तो पूरा जो है माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता है यहाँ पर। ये पुष्कर सरोवर के बीच में भी एक टेम्पल है और चारों साइड से टेम्पल है चारों तरफ, और इसी तरह पुरानी पुरानी हवेली बनी हुई है। और ऊपर जो है सावित्री माता का टेंपल है और पीछे जो है ब्रह्मा जी का टेंपल है। ब्रह्मा जी का टेंपल यहाँ से 5 मिनट वॉकेबल होगा बस। और सावित्री माता का टेंपल आप जाओगे तो वहाँ से जो है आपको पूरा शहर दिखाई देगा, जो कि मैं आज शाम में जाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो बहुत सारे तीर्थयात्री हैं जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ का सारा दिन का सीन यहीं रहता है। यहाँ पर गाय आपको हर जगह घूमते हुए मिल जाएगी, उनका एक्सेस हर जगह ओपन है, कहीं भी चले आते हैं मंदिर वंदिर के अंदर, महल वहल के अंदर सब। तो इससे पहले मैं कुछ दिखाऊं आपको, थोड़ा सा पुष्कर के बारे में बता देता हूं। पुष्कर जो है एक तीर्थकर प्लेस है, मतलब पिलग्रिमेज या फिर तीर्थ यात्रा करने वाले लोग जो आते हैं वो यहां आते हैं। राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पुष्कर ये लेक जो है, ऐसा माना था ब्रह्मा जी जो है हमारे, जो कि जन्मदाता है, इन्हीं लेक के पानी से उन्होंने सारे जीवन की उत्पत्ति की थी। तो ये लेक बहुत ही होली है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट प्लेस है ये। और इस लेक को उतना ही होली माना जाता है जिस तरह हमारे गंगा के रिवर को माना जाता है। तो यहाँ पर आना, स्नान करने का मतलब है आपके सारे पाप यहाँ पर धुल जाएंगे, इसलिए लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं और ब्रह्मा जी के टेम्पल में जाते हैं। इसके चारों साइड जो है इस पुष्कर जो ये छोटा सा टाउन है, इसमें लगभग 500 से ज़्यादा टेंपल है। कैन यू बिलीव इट, 500 से ज़्यादा, और लगभग 50 से ज़्यादा घाट हैं। इस तरह हर तरफ घाट ही घाट बना हुआ है। तो इस वजह से है पुष्कर बहुत ज़्यादा फेमस है और शायद इंडिया में उतना फेमस नहीं हुआ। लोग प्रयागराज वाराणसी जानते हैं लेकिन विदेशियों के बीच पुष्कर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ बहुत सारे आपको कंटिनेंटल कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट कम मिलेगा, हालांकि इंडियन स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा लेकिन रेस्टोरेंट कम मिलेगा आपको, लेकिन आपको कंटिनेंटल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे व्यू के साथ आपको मिलेंगे। विदेशी लोग यहाँ आते हैं और बहुत दिन रहते हैं, महीनों रह जाते हैं, मतलब
मुझे तो एक जर्मन कपल मिले जो कि एक साल से रह रहे थे यहाँ पे, हालांकि पेंडेमिक का टाइम है फिर भी एक साल से रह रहे थे। तो ये है पुष्कर का ओवरऑल मामला। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का जगह। तो वर्केशन अगर आप अभी माउंटेन्स पे नहीं जा सकते तो जो है आपके लिए बढ़िया होगा कि आप राजस्थान आ जाए। इससे पहले जो है मैं जयपुर में रहा 10 दिन, जयपुर का मैंने वीडियो बनाया, और अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे आप चैनल के लिंक पे जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में ऊपर में ही होगा जयपुर। और मैं अभी ये फर्स्ट फ्लोर जा रहा हूँ। तो जयपुर में भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था रहने का, वहाँ भी मैं एक ऐसी ही इसी तरह के पैलेस वाले हॉस्टल में रह रहा था और बहुत ज़्यादा खर्च वहाँ भी नहीं पड़ रहा था। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, अभी देख लो, अब ज़्यादा सुना सुना ही है क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। यहाँ भी स्विंग है, यहाँ से भी सुंदर व्यू है, यहाँ मंदिर है, बिल्कुल ये पुरानी हवेली वाला मामला है। और ये ऊपर से व्यू देख लो जहाँ मैं नीचे था। ये महल तो वैसे बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कमरे उतने नहीं हैं, कमरे थोड़े कम हैं क्योंकि उनका पुराना इस तरह से बना हुआ है, स्पेस पहले ऐसे होता था ना, खाली खाली जगह रखी जाती थी बैठने के लिए। यहाँ भी देखो इस तरह से सब पड़ा हुआ है क्योंकि कोई है नहीं अभी। और मैं जब यहाँ आया तो मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इतने दिन से रुक रहा है, वैसे एक आध टूरिस्ट आते हैं और एक दिन रह के दो दिन रह के चले जाते हैं। तो एक तरह से शांति भी है, सुकून भी है, और डिस्टर्बेंस भी आपको फील नहीं होगा, और कोरोना से भी सेफ आप फील करोगे। हाँ, एक चीज़ मैंने देखा पुष्कर में, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो एक दो लोग लगा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लगानी चाहिए। हाँ, ब्रह्मा जी के टेम्पल में शाम में गया था तो वहाँ पर जो है बिना मास्क के आपको अलाउ नहीं करेगा। ये सबसे ऊपर का फ्लोर है और यहाँ से और भी सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा देखने को। हमेशा आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, और सुबह सुबह मैं आपको बता दूं, जब मैं सोता हूं अपने रूम में तो 6 बजे से जो घंटी की आवाज़ आती है मैं सो नहीं पाता, धूप की किरणें आती है, घंटी, मंत्र उच्चारण, हवा आपको सोने नहीं देगी। हालांकि ये अच्छा ही है हमारे लिए कि जल्दी उठ जाना, ये आपको एकदम स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी। यहाँ पर यहाँ बहुत सारे कबूतर आपको ऐसे उठे हुए मिल जाएंगे। तो ये था ऊपर का नज़ारा। ये सामने रेस्टोरेंट है, रेनबो रेस्टोरेंट, मैं गया था यहाँ कल नहीं फर्स्ट डे मैं गया था पिज़्ज़ा खाने के लिए, वहाँ से भी काफ़ी शानदार व्यू मिलता है। और उस तरफ भी एक रेस्टोरेंट है, आउट ऑफ द सी, आउट ऑफ द ब्लू, ये सामने ये वाला आउट ऑफ द ब्लू, जहाँ की मैंने कल फ़ोटोज़ डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, देख सकते हो। तो बहुत सारे इस तरह से ये दोनों कंटिनेंटल है, इसमें हालाँकि आपको इंडियन खाना ही मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर इस तरह सबके व्यू के साथ बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे कि शाम स्पेंड करने के लिए अच्छा, आप घंटों वहाँ बैठे रहो, आप चाहे तो लैपटॉप लेकर चले जाओ और वहाँ भी बैठकर काम करो। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको रूम दिखाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तो वर्क फ्रॉम माउंटेंस जो है डेफ़िनेटली समर में बढ़िया होता है, और थोड़ा आप क्राउड से दूर आते हो, माउंटेंस की अलग फीलिंग्स होती है। लेकिन अभी चूँकि हिमाचल और मानसून की वजह से जो है माहौल अच्छा नहीं, हिमाचल में बहुत सारी दुर्घटना हो गई है और बहुत लोग जो है हिमाचल सोच कर भी नहीं जा पा रहे हैं, चाह कर भी, तो क्यों नहीं आप राजस्थान ट्राई करते हो। इसी बहाने आपको इंडिया में अगर अनटच्ड प्लेसेस हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपका देखने का जो है मकसद पूरा हो जाएगा। और वेदर के बारे में आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरफ से, मैं क्या बोलूँ, ये होम स्टे जैसा ही है लेकिन होटल है, लेकिन इस यहाँ फैसिलिटी जो है पूरे हॉस्टल वाली है। आपने देख लिया किस तरह से बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ पर ये सब होटल की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी रेगुलर टाइम में, फ़िलहाल अभी तो नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है थार रेगिस्तान जो है यहीं से शुरू होता है, तो यहाँ भी आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड और जो भी सफारी वाली जो एक्टिविटी होती है, सैंड ड्यून्स, वो यहाँ पे मिल जाएगी। पता नहीं मैं करूँगा या नहीं, लेकिन यार ये प्लेस इतना अच्छा है ना, मैं कितना भी बैठे रहूँगा, कितना भी देखूँ मन नहीं भरता। चलो रूम दिखा देता हूँ फाइनली। तो ये मेरा रूम है, ये डबल बेडरूम है और बेसिक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे रूम में, देखो इस तरफ भी, और ये अटैच्ड बाथरूम के साथ है, बाथरूम दिखा देता हूँ, छोटा सा है। तो वेस्टर्न है ये, एक्चुअली बाथरूम पहले था नहीं, इन्होंने महल को जो ये रूम जो है महल का, उसको इसने दीवार बना के बाथरूम बना दिया। उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो चूँकि बाथरूम होता नहीं था,
अंदर में अटैच, तो सारा रूम में बाथरूम नहीं था। बट अभी लोगों को जो है होटल में जो है बाथरूम चाहिए, तो इस वजह से जो है इन्होंने कुछ रूम को अटैच बाथरूम के साथ बनाया है और कुछ रूम जो है बिना बाथरूम का है। उसके लिए आपको शेयर्ड बाथरूम यूज़ करना होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये देख लो, पहले रूम देख लो, यहाँ पर ये व्यू है ये रूम का। और ये भाई ऊट साहब वाले यही मेरे रूममेट हैं आजकल, यहीं पर मैं सोता हूँ। और सामने जो है विंडो से आपको ये व्यू तो आएगा, लेकिन ये विंडो पहले उतना बड़ा तो नहीं होता था उस ज़माने में, छोटा सा विंडो है। लेकिन इससे जो हवा आती है ना, आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि 30-32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ जा रहा है, इस तरफ भी व्यू है तो ये खुला रहता है, तो एक तरह से वेंटिलेशन का काम करता है ये। और बस छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए रूम में, और यह कठपुतली आपको पता ही है, ये दोनों कपल्स ये हमारे साथ रहते हैं। और पंखा है, एसी नहीं है, एसी वाला रूम भी है फर्स्ट फ्लोर पर अगर आपको चाहिए तो। तो ये रूम का मैं आपको बता देता हूँ रेंट कितना लगता है मुझे। उससे पहले मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ, वो शेयर्ड बाथरूम है। अगर आप दूसरे रूम में रहते हो बिना शेयर्ड बाथरूम के साथ, शेयर्ड बाथरूम के साथ बिना अटैच बाथरूम के साथ, तो उसका प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ पे कर रहा हूँ 400 रुपये एक दिन का। भाई साहब आप 400 रुपये में महल में बैठ के काम कर रहे हो, कैन यू इमेजिन। इसीलिए यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, ये भी एक रीज़न है। जब भाई कब हमारा ऐसा मौका मिलेगा कि हम महल में बैठ के इस तरह से इतना सुकून शांति और इतना व्यू के साथ ज़िंदगी बिताओ, तो ये बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ 400 रुपये पर नाइट, और खाना में मैक्सिमम 300 जाएगा अगर आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाते हो। तो मैं कल भाई पिज्ज़ा लाया, इतना बड़ा पिज्ज़ा था मैं ख़त्म नहीं कर पाया, लंच और डिनर मेरा दोनों हो गया 250 रुपये में, पिज़्ज़ा था वो ओके। और बाहर भी आप खाना खाते हो स्ट्रीट फूड, तो आपको 70 रुपये में थाली मिल जाएगी, और बहुत कुछ यहाँ खाने का ऑप्शन है। तो पुष्कर आना कैसे है? पुष्कर जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट अजमेर के लिए बस मिल जाएगी। कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप अजमेर आ जाओ, और अजमेर जो सिटी है वहाँ से बस 15 किलोमीटर है, आधा घंटा आपको बस मिल जाएगा, गवर्नमेंट बस मिल जाएगा आराम से। टैक्सी से आने का मन है तो उससे भी आप आ सकते हो, लेकिन पुष्कर से जहाँ पे आपको छोड़ेगा वहाँ से यहाँ पे आपको 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा आपको। और चलो मैं सुबह से शाम तक करता क्या हूँ यहाँ पर अकेला, तो सुबह उठता हूँ बस वही, सो नहीं पाता हालाँकि, फिर भी ज़बरदस्ती 8 बजे तक सोता हूँ। फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं बाहर जाकर चाय पीता हूँ, और कुछ खास नहीं, नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे बैठ के सारा दिन काम करता हूँ जस्ट एज यूजुअल रूटीन्स। और फिर दोपहर में खाने के लिए बाहर चला जाता हूँ, सामने ही होटल होटल है, फिर काम करता हूँ। तो 7-8 बजे तक तो मैं काम करता ही हूँ, उसके बाद माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है तो कभी मैं किसी टेम्पल में चला जाता हूँ बाहर, या कभी बस ऐसे टाउन का चक्कर लगा लेता हूँ इधर से उधर जाकर। और कभी कभी जो है मैं यहाँ नीचे जाके उसके बाद बैठा रहता हूँ, रात हो जाती है 11 बजे। और यहाँ जो बालकनी से देखने का ये जो एरिया है, वो जो व्यू आता है, जो शांति फील होती है, शाम में कोई शोरगुल नहीं होता, उसका अलग ही मज़ा है। तो बस एज यूजुअल रूटीन बट थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये था ओवरऑल मामला, और मैं टेंपल्स भी जाऊंगा, वहाँ के वीडियोस बनाऊंगा, और आपको इंटरेस्ट है तो भी आप देख लेना। जयपुर वाला वीडियो आप डेफिनेटली देखना, फिर आप चूज़ कर सकते हो कहाँ जाओगे। और रेगुलर अपडेट्स अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। दुबई में मैं रहा था, जॉब्स के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया, हालांकि अभी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो गाइस देखते हैं मैं कितना दिन यहाँ रुकता हूँ, और बस आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। गुड बाय एंड टेक केयर।